सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, धन्यवाद। बुलंदशहर में छात्रा सुदीक्षा भाटी की कुछ मनचलों के कारण सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर बसपा सुप्रीमो ने दुख व्यक्त किया है और मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। युवती अपने चाचा के साथ स्कूटी पर जा रही थी, तभी एक बुलेट पर जा रहे कुछ लड़के उस पर कमेंट करते हुए कभी उसके आगे जाते कभी पीछे। इस बीच स्कूटी से बाइक टकरा गई। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करते हुए इस घटना की निंदा की और पूछा कि आखिर बेटियां आगे कैसे बढ़ेंगी। मामले में उन्होंने तुरंत दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मायावती ने ट्वीट किया, बुलंदशहर में अपने चाचा के साथ बाइक पर जा रही होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी को मनचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, जो अति दुखद, अति शर्मनाक व अति निंदनीय। बेटियां आखिर कैसे आगे बढ़ेंगी? यूपी सरकार तुरंत दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे। बीएसपी की यही पुरजोर मांग है। गौतम बुद्ध नगर के दादरी की निवासी सुदीक्षा स्कॉलरशिप पर अमेरिका के बॉब्सन में पढ़ाई कर रही थी। वह हाल ही में छुट्टियों के चलते भारत आई हुई थी। हादसे के दौरान वह अपने चाचा के साथ मामा के घर औरंगाबाद जा रही थी। मामले में परिवार वालों का कहना है कि बुलेट बाइक पर दो लड़कों ने उसका पीछा किया, कभी वह उसके आगे जाते कभी उस पर कमेंट करते। इसी दौरान अचानक बुलेट पर सवार लड़कों ने बाइक की ब्रेक लगा दी, जिससे स्कूटी की बुलेट से टक्कर में युवती की जान चली गई। बसपा सुप्रीमो मायावती के अलावा समाजवादी पार्टी ने भी इस घटना को लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। सपा नेत्री जूही सिंह ने ट्वीट करते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा, सारे सपने कहीं खो गए। बुलंदशहर में एक बिटिया की मनचलों ने छेड़छाड़ में बचाव करने में जान चली गई। अमेरिका में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी वो। बेटी खुद शिक्षित हो जाए तो उसे सुरक्षित नहीं रहने देंगे। कहाँ है उत्तर प्रदेश सरकार? आपको बता दें कि इस प्रकार की घटना से समाज में महिलाओं के बीच डर देखने को मिलता है। यह भी कारण है कि लड़कियों के माता पिता उन्हें घर में ही रहने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन समाज में इस प्रकार के लोगों का डर कम हो इसलिए पुलिस प्रशासन होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों के मन से कानून और प्रशासन के प्रति डर एकदम खत्म हो गया, जिसे राज्य सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी ₹140 प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे, धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।
सुने बहुजन नायकों की कहानियाँ। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।